नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है ये समसामयिक के मुद्दा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा लेके आपके सामने आया हूं। इसको जरूर देखिए, वो लोग जिनको 64वीं मेंस देनी है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आयोग यहां से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन जरूर उठाएगा, क्योंकि अभी तुरंत लोकसभा चुनाव समाप्त हुआ है तो आयोग यहां से क्वेश्चन उठाएगा और मैं कोशिश करूंगा इसके हर एक पहलू पे प्रकाश डालने की और अच्छे तरीके से समझाने की। आपकी कोशिश है कि इस वीडियो को देखने की कोशिश कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 मिनट का वीडियो है लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, दिल करे तो रेड बटन पे क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं आज का समसामयिक मुद्दा है क्या। भारतीय राजनीति से लिया हूं और आज क्या है, मजबूत लोकतंत्र में भारतीय न्यायपालिका की भूमिका क्या है। आइए इसी को समझते हैं, मजबूत लोकतंत्र में भारतीय न्यायपालिका की भूमिका। एक औपनिवेशिक शासन से लोकतांत्रिक गणराज्य में बदलना भारतीय इतिहास की सबसे विलक्षण उपलब्धियों में से एक था। ऑर्निट सानी ने अपनी पुस्तक हाउ इंडिया बिकम डेमोक्रेटिक्स में उन कठिन प्रयासों के बारे में जानकारी दी है जो भारत के पहले आम चुनाव के आयोजन के लिए किए गए थे। संविधान निर्माताओं ने एक झटके में संविधान के उन निर्धारित करके ही चुनाव सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर कराए जाएंगे, देश की आबादी को प्रजा यानी सब्जेक्ट और नागरिक सिटीजन में बदल दिया। यह एक ऐसी उपलब्धि थी जिस पर कई लोगों को संदेश था कि ऐसा हो पाना संभव नहीं है, लेकिन इसकी सफलता पर हम सभी को गर्व होना चाहिए। कहने का मतलब कि औपनिवेशिक शासक, हम लोग ऑलरेडी अंग्रेजों के उपनिवेशक थे, कहीं न कहीं हमारी आज़ादी समाप्त हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही अंग्रेज जो है हिंदुस्तान छोड़ के गए उसके बाद हम आज़ाद हो गए। आज़ादी के बाद इतना जल्दी लोकतांत्रिक गणराज्य बनना हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ी गर्व की बात थी। और इसी दरमियान ऑर्निट सानी की अपनी जो पुस्तक थी हाउ इंडिया बिकम डेमोक्रेटिक्स, इस कठिन प्रयास के बारे में उसमें जानकारी दी गई है जिसमें यह बताया गया कि संविधान के निर्माताओं ने कैसे एक झटके में संविधान के निर्धारित करके चुनाव जो है सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार कर दिया एक ही झटके में, और देश की आबादी को जो है चाहे वो प्रजा हो प्रजा से नागरिक में बदल दिया गया। एक ऐसी उपलब्धि जिस पे किसी को भरोसा तक नहीं था, लेकिन ये सफल हुआ और इस पे हमें गर्व करना चाहिए। अब आगे, ये तो भूमिका थी, अब आगे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कैसे। नागरिकों का मताधिकार इस उपलब्धि का मूल तत्व है। मत यानी वोट के माध्यम से ही लोकतंत्र वैधता का समय समय पर नवीनीकरण होता है और गणतंत्र की नींव स्थिर बनी रहती है। किंतु केवल मतदान करने भर ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह मतदान एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का हिस्सा होना चाहिए। इसे सुनिश्चित करने के लिए कई संस्थागत कारकों और परिस्थितियों का होना आवश्यक है तथा इन सबको साथ लेकर ही मतदाता द्वारा मतदान का अंतिम फर्ज पूरा होता। कहने का मतलब, नागरिकों का जो मताधिकार होता है उसका एक मूल तत्व होता है उसकी उपलब्धि, यानी कि मत देना आपका लोकतांत्रिक हक है और यह क्या होना चाहिए, समय समय पर इसका जो है एक मतलब नवीनीकरण होना जरूरी है। साथ साथ में गणतंत्र की नींव जो है मतलब क्या है, अस्थिर रहे, इसके लिए चुनाव होना और उसमें भी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई संस्थागत कारकों और परिस्थितियों का होना भी आवश्यक हो जाता है और इन सबको साथ में लेकर मतदाता को मतदान का अंतिम फर्ज भी पूरा करना होता है। एक सार्थक गतिविधि बना रहे हैं मतदान। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त मूल सिद्धांत को मान्यता दी है। समय के साथ विभिन्न निर्णयों के माध्यम से न्यायालय ने उन समक्ष स्थिति का निर्धारण किया है जो सुनिश्चित करता है कि मतदान एक सार्थक गतिविधि बना रहे, जैसे किसी भी नागरिक को मनमाने ढंग से मतदान से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, किए जाने का अधिकार है। इसलिए न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि मतदान संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत मिली मौलिक स्वतंत्रता है। मतदाताओं को कुछ बातें जानने का अधिकार, राइट टू नो है,
इसलिए प्रत्याशी द्वारा कुछ जानकारी की घोषणा करना अनिवार्य है। इसके अलावा गुप्त मतदान का अधिकार है और इसलिए न्यायालय ने मतदान में नोटा का विकल्प शामिल किया, नोटा का विकल्प शामिल करने का आदेश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार यह दोहराया कि निर्वाचन प्रक्रिया में जनता का विश्वास होना गणतंत्रात्मक लोकतंत्र के बने रहने के महत्वपूर्ण है और यही वे संस्थागत सुरक्षा उपाय हैं जो समूहबद्ध होकर इसे सुनिश्चित करते हैं। कहने का मतलब कि देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है उपरोक्त मूल सिद्धांत को मान्यता दी है, जिसमें क्या विभिन्न निर्णयों को न्यायालय के समक्ष स्थिरीकरण किया जा सके और साथ साथ में यह सुनिश्चित करता है कि मतदान का सार्थक गतिविधि जो है एक बना रहे। किसी भी नागरिक के मनमाने ढंग से मतदान से वंचित किए जाने का अधिकार है। कोई भी नागरिक जो है मनमाने ढंग से आप मतदान नहीं कर सकते, इसके लिए अधिकार नहीं है आपको। इसके लिए मतदान के लिए जो है संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मिली मौलिक स्वतंत्रता है और मतदाताओं को कुछ बातें जानने का अधिकार भी है और साथ साथ में इसके अलावा गुप्त मतदान का भी अधिकार है। क्या आप जो आप मतदान कर रहे हैं यह जरूरी नहीं है कि किसी को दिखाया जाए, कोई देखे या किसी को बताया जाए, यह गुप्त मतदान आप कर सकते हैं। जिसको आपका दिल करे आप उसको जाके वोट दे सकते हैं। इसीलिए न्यायालय ने मतदाता में नोटा का भी विकल्प शामिल कर लिया। अब नोटा का विकल्प इसलिए शामिल किया क्योंकि अगर आपको जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं उनमें से कोई भी पसंद नहीं है तो आप नोटा को दबा दीजिए, जिससे कि आपका वो प्रत्याशी को जो है अगर उसके प्रत्याशी के मत से ज्यादा नोटा का मत आ रहा तो इसका मतलब है उस प्रत्याशी को जो उसके अध्यक्ष हैं उसको इसके बारे में सोचना होगा, वहां पे प्रत्याशी को बदलना होगा, जितने भी प्रत्याशी सारे को बदलना होगा जिससे कि नोटा को कम किया जाए। उसके बाद भी अगर नोटा ऊपर रहता है तो फिर वहां पर एक्शन लेने की जरूरत पड़ जाएगी। और सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार यह दोहराया है कि निर्वाचन प्रक्रिया में जनता का विश्वास होना ही गणतंत्रात्मक लोकतंत्र का बने रहने का सबसे बड़ा उदाहरण पेश करता है। और साथ साथ में न्यायिक निष्क्रियता का मुद्दा किसी भी अनप्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के तहत थी प्रतिस्पर्धा के ढांचे का गठन करने वाले बुनियादी नियमों का एक निष्पक्ष मध्यस्थ पंच द्वारा लागू किया जाना चाहिए। यही स्वतंत्र न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। जबकि लोकप्रिय धारणा के अनुसार न्यायालय की प्राथमिकता भूमिका लोगों के मौलिक अधिकार की रक्षा करना, कहने का मतलब कि किसी भी प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के तहत जो है ढांचे का गठन किया और बुनियादी नियमों का निष्पक्ष मध्यस्थता या फिर पंच को लागू किया जाना चाहिए। अगर स्वतंत्र न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है जबकि लोकप्रिय धारणा के अनुसार न्यायालय की प्राथमिक भूमिका लोगों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है, लेकिन न्यायपालिका का इतना ही महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व यह भी है कि चुनाव की प्रतिस्पर्धा के बुनियादी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना है। साथ में न्यायपालिका का यह भी अधिकार होता है कि जो भी चुनाव हो उसकी जो महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है वो चुनावी प्रतिस्पर्धा के बुनियादी नियम का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए आवश्यक है। कुछ कारकों की वजह से यह कार्य राजनीति पर नहीं छोड़ा जा सकता है और इसे न्यायपालिका द्वारा ही निष्पादित किया जाना चाहिए। इस प्रकार यह एक ऐसा विषय है जहां न्यायालय को सामान्य से अधिक सतर्क रहना चाहिए क्योंकि यहां दांव पर स्वयं लोकतंत्र की मूलभूत वैधता लगी होती है। काले धन को बढ़ावा देता है चुनावी बॉन्ड। अब काले धन को किस तरीके से बढ़ावा देता है चुनावी बॉन्ड, इस परिप्रेक्ष्य में भारतीय न्यायालयों के हालिया निर्णय और आदेश और न्यायिक शब्द डंबर और वास्तविक परिवर्तन के बीच में तारतम्यता में कमी दिखाई देती है। सर्वप्रथम जानने के अधिकार के संदर्भ में देखें तो पिछले वर्ष के पूर्वाध में चुनावी बॉन्ड योजना लागू की गई जो है एक चुनावी बॉन्ड योजना लागू की गई, जिसमें अधिकांश लोग का यह मानना है कि इसके जरिए सरकार ने काले धन को राजनीतिक दलों के पास और चुनाव में लाने की अनुमति दे दी और यह माना जा रहा था कि यह जो चुनावी बॉन्ड योजना लागू हो गई है इससे क्या होगा। अधिकांश लोगों का यह मानना हो गया था कि इसके जरिए जो है सरकार काले धन जो है राजनीतिक दलों के पास और चुनावी में लाने की अनुमति दे दी है। यह किसी से छिपा नहीं है कि चुनावी बॉन्ड योजना राजनीतिक दलों का असीमित और गुप्त दान लेने की अनुमति प्रदान कर देता है। कहने का मतलब ये जो है चुनावी ये जो राजनीतिक दलों के पास चुनाव में लाने की अनुमति दे दी
और यही जो बॉन्ड है राजनीतिक दल को असमित और गुप्त दान लेने की अनुमति प्रदान कर दिया, जिसमें विशेष रूप से कॉर्पोरेट से प्राप्त धन शामिल है। ये लोग विशेष रूप से जो है कॉर्पोरेट से धन प्राप्त करते हैं, और इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में ने भी महत्वपूर्ण माना है, इसमें एक्शन भी लिया गया है। दरअसल यह जानने का अधिकार को स्पष्ट उल्लंघन है, क्योंकि मतदाता को इस सूची से वंचित किया गया है। उनका वोट मांगने वाले लोगों का वित्त पोषण कौन कर रहा है? चुनावी बॉन्ड योजना को लागू होते ही इसे न्यायालय में चुनौती दी गई, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने पहले तो इस पर सुनवाई को लटकाए रखा और फिर समय की कमी का हवाला देते हुए चुनाव के बाद तक के लिए स्थगित कर दिया। इस अंतराल में चुनावी बॉन्ड के माध्यम से भारी मात्रा में अनाम धन जुटाए गए और इसका एक बड़ा हिस्सा सत्तारूढ़ दल को प्राप्त हुआ। कहने का मतलब ये जानने का अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन हो रहा, क्योंकि जो मतदाताओं को इसकी सूचना से वंचित रखता है। चुनावी बॉन्ड को लागू होते ही न्यायालय में चुनौती दी गई थी, चुनाव आयोग ने न्यायालय में इसे चुनौती दी गई थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने पहले तो सुनवाई को लटका के रखा, उसके बाद ये हवाला देते हुए कहा कि समय नहीं है, इसके लिए जो है चुनाव के बाद इस पे एक्शन लिया जाएगा। और इसका नतीजा यह हुआ कि भारी मात्रा में अनाम धन जुटाए गए और इसका एक बड़ा हिस्सा सत्तारूढ़ दल को प्राप्त हुआ। इस मुद्दे पर इसी वर्ष अप्रैल में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में कहा था, सभी राजनीतिक दलों को चंदा देने से संबंधित चुनावी बॉन्ड पर रोक नहीं लगेगी। न्यायालय ने यह भी कहा, ऐसे सभी दल जिनको बॉन्ड के जरिए चंदा मिला है वे सीलबंद कवर में चुनाव आयोग को इसका ब्यौरा देंगे। केंद्र सरकार ने न्यायालय से आग्रह किया था कि वह चुनाव प्रक्रिया के दौरान चुनावी बॉन्ड के मुद्दे पर आदेश पारित ना करें, और खास करके ये इसी वर्ष के अप्रैल में सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश में यह कहा गया था कि जितने भी दल हैं वो चंदा देने के संबंधी जो बॉन्ड है उसको रोक नहीं लगेगी, लेकिन न्यायालय ने सभी दल को अपने बॉन्ड के जरिए जो चंदा मिल रहा है वो चुनाव आयोग को अपना ब्यौरा देंगे। लेकिन सरकार ने न्यायालय से यह आग्रह कर लिया था कि इस चुनावी प्रक्रिया के दौरान चुनावी बॉन्ड के मुद्दे को आदेश पारित ना करें, कम से कम ये लोकसभा चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद आपको जो लागू करना होगा कीजिएगा, इसीलिए यह पारित नहीं हो सका। विफल होती गुप्त मतदान की अवधारणा। दूसरा विषय गुप्त मतदान का है। इस चुनाव के दौरान सत्तारूढ़ दल की उम्मीदवार मेनका गांधी ने मुस्लिम मतदाताओं को धमकी दी कि वे उन्हें वोट दें, वरना चुने जाने पर वह उनकी किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं करेंगी। उनके इस बयान से देश में व्यापक प्रतिक्रिया देखने को मिली और वर्ष 2017 में मुकुलिका बनर्जी ने इस ओर ध्यान दिलाया था, और अभी हाल में पत्रकार इशिता त्रिवेदी ने इस बात को दोहराया। कहने का मतलब कि विफल होती गुप्त मतदान में इसके दौरान सत्तारूढ़ दल के उम्मीदवार जो थी मेनका गांधी ने मुस्लिम मतदाताओं को यह चैलेंज दिया और यह धमकी भरा शब्दों में कहा कि चुनाव में वो अपना वोट हमें ही दे, नहीं तो अगर हम सत्ता में आ जाएंगे तो उनकी कोई भी सहायता नहीं करेंगे। और इस बयान पर देश में एक व्यापक प्रचार और प्रसार देखने को मिला। उसी समय 2017 में मुकुलिका बनर्जी ने इस ओर ध्यान दिलाया कि अभी हाल में पत्रकार इशिता त्रिवेदी ने इस बात को दोहराया कि राजनीतिक दल अब बूथ विशेष के स्तर पर मतदान के परिणाम का पता लगाने में सक्षम है। अब तो बूथ पर जाके ये पता लगाने में सक्षम हो गए कि किसको कौन सा मतलब वोट मिल रहा है, कौन ज्यादा मिल रहा है, किसको कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है, इस तक पता चल जाता है। इससे गुप्त मतदान की अवधारणा विफल हो रही है। मेनका गांधी द्वारा दी गई धमकी से निर्वाचन प्रक्रिया का निष्पक्ष रह पाना संभव बिल्कुल भी नहीं है। उल्लेखनीय है वर्ष 2018 में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर कर चुनाव में टोटलाइजर मशीन के उपयोग का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था, जिससे मतपत्र की गोपनीयता बनी रही, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के बिना सुनवाई किए ही यह याचिका को खारिज कर दिया गया। और इसको देखते हुए जैसे इशिता द्विवेदी का राजनीतिक दल के अब बूथ विशेष पर मतदान विफल होना शुरू हो गई, मेनका गांधी की जो धमकी भरी शब्दों में दिया गया बयान था, निर्वाचन प्रक्रिया का निष्पक्ष रह पाना संभव बिल्कुल नहीं दिख रहा था। उल्लेखनीय इसी दरमियान 2018 में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर करके चुनाव में टोटलाइजर मशीन का उपयोग निर्देश देने का अनुरोध किया, लेकिन मतपत्र की गोपनीयता बनी रहती, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने बिना सुनवाई किए याचिका को खारिज कर दिया। मतदान की स्वतंत्रता का मुद्दा। तीसरा विषय मतदान की स्वतंत्रता का है। इस चुनाव में मतदाताओं की ऐसी
कई शिकायतें सामने आई जिनके नाम बिना किसी सूचना और सुनवाई के मतदाता सूची से हटा दिए गए थे। हालांकि यह कोई नई बात नहीं है, यह समस्या लगभग हर चुनाव में देखने को मिलती है। पिछले वर्ष तेलंगाना विधानसभा चुनाव के समय भी यह मामले सामने आया था। निर्वाचन आयोग ने स्वीकार किया था कि व्यवस्था में यह समस्या विद्यमान है। अब आरोप लगाया गया था कि निर्वाचन आयोग मतदाता सूची को फूल प्रूफ बनाने के लिए अनधिकृत रूप से आधार लिंकिंग के साथ एक अनऑडिट डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहा था, जिसने बड़ी संख्या में वास्तविक मतदाताओं का नाम भी मतदाता सूची से हटा दिए थे। कहने का मतलब तीसरा विषय जो है मतदाता की स्वतंत्रता का है। इसमें यह देखने को मिला है कि कितने ऐसे मतदाता हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है, पहले था और अब नाम हट गया है किसी तरीके से। यह समस्या लगभग हर चुनाव में देखने को मिलता है। अगर पिछले साल तेलंगाना का विधानसभा चुनाव देखें तो इसमें भी भारी समस्या का सामना करना पड़ गया था। निर्वाचन आयोग ने यह स्वीकार किया था कि व्यवस्था की समस्या विद्यमान है अभी भी, यह समस्या, और यह आरोप लगा था कि निर्वाचन आयोग मतदाता सूची को फूल प्रूफ बनाने के लिए आधार से इसको लिंक कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे नाम जो है सो हट गए। इसके मद्देनजर पिछले वर्ष के उत्तराद में हैदराबाद के एक टेक्नोलॉजिस्ट ने उच्च न्यायालय में एक मामला दायर करके कहा कि निर्वाचन आयोग अपने एल्गोरिथम के सोर्स कोड को खुलासा करे और इसे ऑडिट करने के लिए उपलब्ध कराए। कई माह गुजर गए, आम चुनाव शुरू होकर समाप्त हो गए, लेकिन उच्च न्यायालय पर याचिका का कोई निर्णय लेने में विफल रहा। कहने का मतलब इसी मद्देनजर को देखते हुए हैदराबाद के एक टेक्नोलॉजिस्ट ने उच्च न्यायालय में एक मामला को दर्ज कराया। इसमें यह कहा गया कि अपने एल्गोरिथम के सोर्स कोड का खुलासा करे, निर्वाचन आयोग अपने एल्गोरिथम के सोर्स कोड का खुलासा करे और ऑडिट के लिए उपलब्ध कराए। कई माह गुजर गए, आम चुनाव शुरू होकर समाप्त भी हो गए, लेकिन उच्च न्यायालय ने इस याचिका पर कोई निर्णय लेने में विफल रहा। चुनाव प्रक्रिया में सार्वजनिक विश्वास की बहाली अंतिम विषय के रूप में हम निर्वाचन प्रक्रिया पर सार्वजनिक विश्वास के मुद्दे पर विचार करेंगे। मार्च के मध्य में 20 विपक्षी दलों का सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी, जिसमें ईवीएम के उपयोग के बारे में आशंका जताई गई। याचिका में अनुरोध किया गया था कि वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन का उपयोग करके मतदाता में इस्तेमाल होने वाली 50% ईवीएम का सत्यापन किया जाए। इस संबंध में निर्वाचन आयोग ने एकमात्र आपत्ति यह थी कि इससे मतगणना में काफी समय लग जाएगा और पूरी मतगणना करने में 6 दिन तक का समय लग सकता है, लेकिन जब हम 7 चरणों में 1.5 माह तक चले चुनावों के संदर्भ में इसे देखें तो सार्वजनिक विश्वास की बहाली के लिए 6 दिन का विस्तार कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया और बिना किसी विस्तृत तर्क के केवल प्रति निर्वाचन क्षेत्र ईवीएम सत्यापन की संख्या 1 से बढ़ाकर 5 का निर्देश दिया गया। कहने का मतलब अंतिम विषय में यह था कि ईवीएम का भी मुद्दा आया था, जिसमें कहा गया था कि ईवीएम में भी सत्यापन किया जाए, कम से कम 50% ईवीएम सत्यापन किया जाए, और इसमें जो है समय उसके बाद इसमें निर्वाचन आयोग ने एकमात्र आपत्ति यह कहा कि मतगणना में काफी समय लग जाएगा, जहां 7 से 8 घंटे में इसके परिणाम आ जाते हैं, वहीं अगर इस तरीके से किया जाएगा ईवीएम का सत्यापन तो 5 से 6 दिन तक समय लग सकता है। लेकिन जब हम 7 चरणों में चुनाव को 1.5 महीने तक चुनाव संदर्भ में देख सकते हैं तो सार्वजनिक बहाली के लिए 6 दिनों का कोई विस्तार ज्यादा बड़ा मुद्दा तो नहीं है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया और बिना विस्तृत तर्क के केवल ईवीएम के सत्यापन की संख्या 1 से बढ़ाकर 5 कर दिया। वो नहीं किया जो आप 1 दिन में रिजल्ट के बदले 6 दिन करते तो कहीं ना कहीं सत्यापन जरूर झलकता, लेकिन उसको बंद करके इसने 1 के जगह पे 5 बढ़ाकर निर्देश दे दिया गया। क्या मामला है, ये तो राजनीतिक है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय भी सरकार की ओर झुकी हुई है। हम ये भी नहीं कह सकते हैं विपक्ष का मांग सही है, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय देता है सही ही देता है। अब किस तरीके से दे रहा है ये तो अंदर का मामला है और यहां पर बताना यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि 21वीं सदी में जो भी लोग हैं और खास करके एजुकेटेड है वो इस बात को समझ सकते हैं। अब हम कह सकते हैं कि विगत वर्षों में कई मौके पर सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय लोकतंत्र की गरिमा, स्वतंत्रता, निष्पक्ष चुनाव के वोट के महत्व के बारे में कई आदेश दिए हैं। उनके परिप्रेक्ष्य में देखें तो लगता है हमारी न्यायपालिका काफी मुखर है,
बेशक हमारा लोकतंत्र एक उपलब्धि है जिस पर गर्व किया जा सकता है, लेकिन लोकतंत्र स्वयं ही जीवंत नहीं रह सकता है। यदि इसे लेकर कोई भी संदेश उठता है तो न्यायपालिका दोनों का यह फर्ज है उसे तुरंत निवारण किया जाए। लेकिन देखने में आया पिछले कुछ वर्षों से मतदाताओं को जानने का अधिकार, गुप्त मतदान, वोट देने की स्वतंत्रता बेहद कम महत्व दिया गया, और यही कारण है कि इससे चुनाव की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को संदेश के घेरे में रखा गया। कहने का मतलब है, कई मौके पर सर्वोच्च न्यायालय जो है भारतीय लोकतंत्र की गरिमा को, स्वतंत्रता को और निष्पक्ष जो उसके वोट है उसके महत्व में कई आदेश देते हैं जिससे कि इसकी गरिमा बधी रहे। बेशक हमारा लोकतंत्र एक उपलब्धि है जिस पर हम गर्व कर सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र की स्वयं जीवंत नहीं रह सकता है। यदि इसे लेकर कोई संदेश है तो कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों का फर्ज बनता है तुरंत इसका निपटारा किया जाए। लेकिन अभी हाल में यह देखने में आया पिछले कुछ वर्षों में मतदाताओं के जानने का जो अधिकार है, गुप्त मतदान है, वोट देने की स्वतंत्रता है, उसमें बेहद कम महत्व दिया गया, और यही कारण है जिससे चुनाव की स्वतंत्रता और निष्पक्षता दो संदेश के घेरे में खड़ी हो गई है। ऐसे किसी भी अवसर पर जब भी मामला न्यायालय के समक्ष लाया गया तो इसके समाधान के बजाय इसे टालने की प्रवृत्ति अधिक दिखाई दी गई। ऐसे कई मामले में जब न्यायालय के समक्ष जो है इसके प्रावधान लाने की कोशिश की तो न्यायालय ने इसे टालने की प्रवृत्ति अधिक दिखाई पड़ती है। इससे तो यही प्रतीत होता है न्यायालय के पास बातें तो बहुत है लेकिन बड़े बदलाव को लेकर वह बहुत उत्सुक नहीं है, कहीं ना कहीं सरकार के घेरे में अंदर बंधा हुआ है, इससे यही झलक रहा। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय एक स्वतंत्र निकाय है, चाहे तो कुछ भी कर सकता, लेकिन अगर इस तरीके का एक्शन, जिस तरीके का वो बदलाव और जिस तरीके की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, जिस तरीके से न्यायालय के समक्ष जो है ये टालने की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, इससे यही दिखता है कि न्यायालय कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में आके ये कदम उठा रही है। ये तो बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा है जो कहना मुश्किल है सच क्या है और गलत क्या है, लेकिन जो न्यायालय कर रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। चलिए आज का यहीं तक रहा मुद्दा, और ये लोकतंत्र से समक्ष में क्या था, सारी मुद्दे पर प्रकाश डाल के आपको कोशिश किया समझाने की। अब आपकी कोशिश आएगी इसको आसानी से शांति से एक से दो बार सुनिए देखिए, क्योंकि यहां से अगर क्वेश्चन उठेगा आयोग का, और उठना ही उठना है, गारंटी उठना है, क्योंकि पॉलिटी आपको पढ़ना ही है और पॉलिटी में करंट से इसको तो जोड़ेगा ही जोड़ेगा, तो आपको यहां से आसानी से समझ में आ जाएगा। एक दो बार सुनिए आपको क्लियर हो जाएगा। और आज का जो प्रश्न है वो है, लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बनाए रखने की जिम्मेदारी न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों की है, ठोस तर्कों के साथ में कथन की विवेचना कीजिए बताइए। यही आज का क्वेश्चन है, लिखिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिए। और साथ साथ में दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसा लग रहा है, क्या इस सीरीज को स्टार्ट रखा जाए, क्योंकि बीच में छोड़ दिए थे लोगों ने कहा था, और आज फिर से ये समसमय के मुद्दा है जो बहुत ज्वलंत मुद्दा है, और खास करके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कमेंट्स देके हमें जरूर बताइए। चलिए दोस्तों फिर किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।